What's up guys, welcome back to Semester channel. My name is Sheikh Munir Prashant, another black is ready. In this black, how to repair power wheel car in this car. दोस्तों आज ये देख सकते हैं कार पूरा रिपेयर हो चुकी है, इसमें पूरा पावर नहीं है. आप देख सकते हैं पूरे पार्ट्स डिवाइड करके है. अब इससे पहले भी बहुत बहुत वीडियोस बनाया गया हूँ पावर व्हील कार्स, पावर का बाइक्स, किड्स का बाइक्स देखे थे आप. दोस्तों आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं बैटरी नहीं काम कर रहा है, ये स्विचेस नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि बहुत कंप्लेंट दे चुके हैं. वो स्विच कंप्लेंट का भी एक वीडियो बनाया हूँ, ऊपर आई बटन में दूंगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दीजिए, वो ज़रूर देख लीजिए. आपको यूजफुल बनी होगा क्योंकि आप पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, ये स्विच ओपन करके क्लीन करके रख दिए तो बस वही काम करता है. ये आप देख सकते हैं कितना डस्ट है इसके ऊपर, ये तो बाजू में रख दिए हैं, काम नहीं कर रहा बल्कि. अब इसको क्लीन करके दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूले दोस्तों. हे गाइस, आप देख सकते हैं कार पूरा क्लीनिंग वॉश हो चुकी है. आपको दिख रहा होगा कितना फ़र्क है पहले वीडियो में, आपके वीडियो में. आप देख अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है आपको प्रॉपरली रिपेयर करके बताऊंगा ज़रूर. आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है. इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीट के नीचे इसके कंट्रोलिंग सतह टोटली. अब इसको सीट को फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्क्रू होते हैं, वो स्क्रू खोलने के बाद इसको ऐसा प्रेस करने से, ऐसा उठाने से ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है. इसको हम बाजू में रखते हैं. आप देख सकते हैं इसमें दोनों बैटरी है, एक रिमोट कंट्रोल सेंसर है और एक इसका चार्जिंग पोर्ट, और एक दोनों मोटर का है, इधर एक मोटर, इधर एक मोटर का है. दोनों मोटर व्हील का स्पीड पावर है था इसका, आपको दिख रहा होगा मोटर, ये देख लो दोस्तों, ये मोटर है इसका. और एक इससे पावर इसको ज़्यादा मिलता है, इसको ऑन एंड ऑफ पावर की का है. ये तो पावर कुछ भी नहीं इसमें, ये फ्रंट गियर और ए बैक गियर एंड स्टॉप है. ये ऑटोमेटिकली रनिंग होता है फ्रंट और बैक मूवमेंट देने के लिए. आपको बैटरी डाल के आपको बैटरी चेक करके बताऊंगा दोस्तों. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका चार्जर देता है ना, वो चार्जर से हम इसको चेक कर सकते हैं. आप इसमें देख सकते हैं ग्रीन लाइट पड़ चुकी है. अब इसमें हम पावर में लगाने से इस ग्रीन वायर को रेड वायर होना चाहिए. आप देख सकते हैं इस ग्रीन वायर का रेड वायर नहीं हो रहा है, ये बैटरी तो फेल हो चुका होगा, लेकिन नहीं तो इसका वायरिंग सर्किट तो प्रॉब्लम होगा. अब इसके हम टोटली प्रॉपरली मल्टीमीटर से चेक करेंगे. इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर भी चाहिए आपको. अब इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर ले आऊँ मैं. अब इसमें हम डीप साउंड में रखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी चेक करेंगे, 200 वोल्ट्स पे रख के चेक करेंगे हम इसका बैटरी. आप देख सकते हैं ये रेड वाला बैटरी को चेक कर रहा हूँ मैं, इस पर तो 6.3 वोल्ट्स बता रहा है, ये तो प्रॉपरली वर्क कर रही है. इसमें तो 6.01, ये तो टोटली 7 अबो रहना है दोस्तों बैटरी वर्क करने के लिए. आपको नई बैटरी की पावर दिखाता हूँ मैं, आप देख लीजिए. ये दोनों नए बैटरीज है इसमें एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने के लिए. ये तो बैटरी प्रॉब्लम हो चुके होंगे, आप देख सकते हैं 6.5 एम्स का है, 6.5 एम्स दिखाया तो ऑटोमेटिकली ये बैटरी वर्क कर जाएगी. अब इसमें ये इसका वोल्टेज बताऊंगा मैं, इसको नई बैटरी है ना, आपको इसकी वोल्टेज कैसा रहेगा आपको बताऊंगा. आप इसका वोल्टेज देख सकते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल में नेगेटिव लगा दिया हूँ. अब देख लीजिए इसमें टोटली, ये तो मल्टीमीटर ख़राब है, 6.2 आके गया है ना, अब देख सकते हैं 6.2 वोल्टेज आ गया है. ये तो वर्क करेगी ज़रूर. इसी तरह आप भी सेट कर लीजिए दोस्तों. ये नए बैटरी इंस्टॉल करके देखता हूँ. ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्किट डायग्राम भी ऑटोमेटिकली काम चलता है. तो दोनों नए बैटरी डालेंगे, दो नए बैटरी डालेंगे. इसको खोलने के लिए स्क्रूड्राइवर से प्रॉपरली खोल लेंगे हम. दोनों स्क्रू खोलने से ये ऑटोमेटिकली निकल जाता है. सिंपल है दोस्तों, इसको ऐसा काट के. आपको ये बैटरी चाहिए तो हमारे शॉप के पास आके ले सकते हैं, आपको वारंटी में मिलता है, चेकिंग वारंटी में आप ले सकते हैं दोस्तों. ये देखो अब इसका दोनों बैटरी मैं रिमूव करा, ऑलरेडी इसको ये बैटरी डाला था, इसका चार्जर प्रॉब्लम से ये ख़राब हो चुका है. अब ये बैटरी भी आजू बाजू में काट दूँगा. उसके बाद इसको यहाँ एक इधर एक रखूँगा. अब देख लीजिए दोस्तों, इसको हम ये सीरीज कलेक्शन में देना पड़ेगा बैटरी को. ये रेड कलेक्शन में दे दो, और एक माइनस कनेक्शन में देना पड़ेगा ब्लैक कनेक्शन में. ये सीरीज कनेक्शन करते हैं इसको. अब मैं इसमें ये लगाऊंगा और एक वायर इसमें लगाऊंगा. देख सकते हैं इसके बाद दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बसता है. हम गाड़ी के कार के वायर्स में नेगेटिव ब्लैक वायर है,
नेगेटिव लगा लिया हूँ। इसके बाद पॉजिटिव वायर इधर है आपको, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पे लगाना चाहिए, आप देख सकते हैं इसमें पॉजिटिव में लगा हूँ। अब इसके बाद मैं इसको ऑन करूँगा, आप देख सकते हैं, ये देखो दोस्तों, ऑन करने से भी इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। ये चार्जिंग लगा खाने से ये ऑन नहीं होगा, चार्जिंग के काटने के बाद ही ये ऑन होता। आप देख सकते हैं ये रनिंग ऑन हो चुका है, स्पीड का इसका साउंड भी आ रहा है। ये बैटरी में पावर कम है, दूसरे बैटरी लगा के देखेंगे हम इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी चेक करेंगे, ये देखो दोस्तों इसकी बैटरी बदला चुका हूँ ना, इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ। एक बार ऑन करा हूँ, आप देख सकते हैं इसकी बैटरी फुल बता रही है। इसको साउंड ज़्यादा रहने से ये काम नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। अभी ऑटोमेटिक गियर में डाल देता हूँ, ये ऑटोमेटिक स्विच है इसका, ये ऑटोमेटिक स्विच है, ये ऑटोमेटिक स्विच करने से ऑटोमेटिक ये हिल हिल झुलती रहेगी, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये वर्क कर रही है। इसको स्टॉप करता हूँ, ये स्टॉपिंग है। इसके बाद इसको हम फ्रंट गियर में रख के, फ्रंट रैक में रख के इसको एक्सलेटर दबाऊंगा, आप देख सकते हैं मूवमेंट ले ले रही है, जा रही है गाड़ी। इसी तरह आप भी सेट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों इसको टोटली टेस्ट किया हूँ मैं, चेक करा हूँ, इसके वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं। ये चार्जर में लाइटिंग तो नहीं चेंज हो रही है, आपको तो इसका कोई तो डिफरेंट होगा, उसके लिए ये काम नहीं कर रहा। इसके लिए मैं दूसरा चार्जर लेके आऊँ, ये तो चार्जर तो फेल हो चुका होगा, नहीं तो ये वायरिंग में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो टोटली वायरिंग क्लैरिटी से है इधर, और वायरिंग कट नहीं हो चुकी है। मैं डीप साउंड से चेक करा, ये नया चार्जर है 12 वोल्ट चार्जर है, ये बैटरी चार्जर है 12 वोल्ट का, ये 6 टोटल मिला के 12 होता है ना दोस्तों, इसके लिए 12 वोल्ट चार्जर है। ये चार्जर आपको चाहे तो हमारे शॉप के पास आके ले सकते हैं दोस्तों। इस चार्जर कैसा बरतते हैं आपको बताऊँगा। इस चार्जर बरतने के लिए सीट ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये दोनों कॉम्पोनेंट्स दिया है इसमें, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। आपको बैटरी के ये गाड़ी के वायरिंग से ना इसको काट के इधर से ये दोनों इसमें पॉजिटिव में लगाना है, ये नेगेटिव में लगाना है। इसके बाद इसको हम करंट में लगाना है, इसमें एक लाइटिंग देता है दोस्तों, ये चढ़ते समय ग्रीन लाइट पड़ेगा, फुल चार्ज होने के बाद ये रेड लाइट बनेगा, आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन लाइट पड़ा होगा। इसके बाद ये फुल चार्ज होने के बाद रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप होके बंद होके कन्वर्ट हो जाता है उसमें। इसको हम इसे लगा लेंगे यहाँ पर, अब देख सकते हैं रेड लाइट पड़ा हो, चार्जिंग चढ़ रहा ही है। आपको दिख रहा होगा ये चार्जिंग चल रही है इसमें, ये फुल है, ये चार्जिंग इसमें ले रहा है आपको। देखो दोस्तों ये टोटली चार्जिंग चढ़ने के बाद इसमें रेड कलर बदलेगा, आपको रेड कलर लाइटली पढ़ के बुझा है ना, उसी तरह आपको ये कन्वर्ट होगा। ये चाहे तो आपके हमारे शॉप के पास आके ले सकते हैं, ऑनलाइन तो हमारा बिजनेस नहीं है दोस्तों, ऑनलाइन में इसका नाम मार के सर्च करके ले सकते हैं आप दोस्तों। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें दोस्तों, दूसरों को भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसको प्रॉपरली सेट करके ये कैसा वर्क करता है आपको बताता हूँ। अब ये देख लो दोस्तों, इसका बैटरी नए डालने से पिकअप बहुत ज़्यादा है इसमें। अब इसको ऑन करके बताता हूँ, इसको पूरा सेट कर देता हूँ, अब देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। ये साउंड ज़्यादा होने से ये काम नहीं कर रहा, हम इसमें क्या करेंगे, साउंड कम करेंगे। आप देख सकते हैं इधर साउंड कम करने के लिए यह बटन दबा, आप देख सकते हैं साउंड कम आने से टोटली प्रॉपरली ऑन हो चुका है। इसको हम स्क्रूज डाल के टोटल फिट कर डालेंगे, इधर एक स्क्रू और एक इधर में एक स्क्रू आता है, इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ काम नहीं दोस्तों, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके पास मटेरियल है तो बस टोटली फिट हो चुका है। अब इसके 6 वोल्ट बैटरी दोनों नए डाले हैं ना, इसमें हम बैटरी इंस्टॉल करेंगे, आप देख सकते हैं। इसको बैक लेके आता हूँ मैं, ये देखो दोस्तों इसमें लाइटिंग भी ऑन हो चुकी है, आपको ऑन ऑन ऑफ करके बताता हूँ। ये देखो पावर ऑफ ऑन हो चुका है, इसमें लाइटिंग स्टार्ट हुआ।
आप देख सकते हैं टोटली ऑन हुआ है, साउंड कैसा आ रहा है। इसके बाद इसमें ऑटोमेटिकली रन रखता हूँ मैं, आप देख लीजिए इसमें रनिंग सिस्टम सब कंट्रोलिंग ऑटोमेटिक वर्क करता है। अब इसका ऑटोमेटिक गेट स्विच ऑन देते हैं, अब ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक मूवमेंट लेता है ये, बच्चे को अच्छा एंटरटेनमेंट होता है छोटे बच्चों के लिए। इसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और एक इसको ऑफ कर रहा हूँ, अब फ्रंट गियर में है, इसको एक्सीलेटर दबाऊँगा। आप देख सकते हैं ये आ चुकी है आपके पास, ये रिवर्स गियर में रखा हूँ, आप देख सकते हैं ओनली फिंगर से प्रेस कर रहा हूँ, चली गई है पीछे। इस देखिए ना दोस्तों हमारे वीडियो, इस वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए। अभी आपको कमेंट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिए, हम क्लियर करेंगे, कोशिश करेंगे। ये थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।